हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल, आपका मेरे चैनल कुक विद पायल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की बर्फ़ी। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली मिठाई है। आपका जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे या तो फिर कोई त्यौहार आ जाए तो आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप नारियल का बुरादा, 2 कप मिल्क पाउडर और 1 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप मलाई, या मैंने घर की जमी हुई मलाई ले ली है, और थोड़ा सा इलायची का पाउडर और कुछ कटे हुए बादाम और काजू, इन दोनों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और ये ऑरेंज फूड कलर, और ज़रूरत के हिसाब से हम दूध ले लेंगे। दूध को मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है और इस तरह का फॉइल हमें ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 कप नारियल का बुरादा। गैस के फ्लेम को हम लो पर रखे रहेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। 1-2 मिनट चलाने के बाद हम गैस को ऑफ करके इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, और अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। इन्हें हम अच्छी तरह से मिला देते हैं, फिर हम पाउडर शुगर भी डाल देंगे। इस तरह से मिला देंगे हम। पैन को मैंने गैस स्टोव पर से नीचे उतार लिया है ताकि मैं हाथों से अच्छी तरह से इसका डो बना सकूं। और फिर हम इसमें डालेंगे ये फेटी हुई मलाई, और हम आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। ये मैंने 6-7 इलायची को थोड़ा सा चीनी के साथ मिक्सर में पीस लिया था। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये मैंने 1/4 कप दूध डाला है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे इसमें बहुत ही कम दूध यूज़ होता है, तो थोड़ी सावधानी से इसमें दूध डालिएगा, नहीं तो आपकी जो डो है वो बहुत ही स्टिकी हो जाएगी। तो इस तरह का डो हमें बना लेना है। फिर हम इसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। इसका एक हिस्सा बाउल पर रख देंगे और एक हिस्सा हम पैन पर रहने देंगे, और उस पर हम डालेंगे ये ऑरेंज फूड कलर, और इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से हाथों से मिला देंगे। बस हो गया। अब हम इसमें डालेंगे एक फॉइल, और उसके ऊपर से हम घी लगा देंगे। फिर हम डो का एक पार्ट ले लेंगे और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए यहाँ रख देंगे, और जैसे हम रोटियाँ बेलते हैं उसी तरह से हमें बेल लेना है। अब हम उसी तरह से और एक फॉइल ले लेंगे और उस पर भी घी लगा देंगे। घी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारा डो है वो आसानी से निकल सके। ये हमने डो का दूसरा पार्ट ले लिया है, इसे भी अच्छी तरह से प्रेस करते हुए यहाँ रख देंगे और इसे भी बेल देंगे। अब हम ये जो हमने बेला है इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे, और फिर इसका जो फॉइल है हम धीरे धीरे इसका ऊपर से हटा देंगे और नीचे का फॉइल रहने देंगे। ऊपर से हम कुछ कटे हुए काजू और बादाम डाल के इसे अच्छी तरह से दबा देंगे।
और फिर इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से ये फॉइल के साथ ही हमें रोल करना है और इस तरह से हमें फॉइल को हटाते जाना है आगे की तरफ से। ये देखिए इस तरह से हमें करना है और बस हमारा रोल हो गया है। अब हम फॉइल को थोड़ा फैला देते हैं और उसमें हम डालेंगे कुछ कटे हुए बादाम और काजू और इसे हम इस तरह से रोल कर देंगे। अब हम इसे फॉइल के साथ अच्छी तरह से इस तरह से हम रोल करके थोड़ा सा दबाते हुए इसे लंबा कर लेंगे और इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने देंगे। आधा घंटा हो गया है, ये देखिए हमारी मिठाई सेट हो गई है अच्छी तरह से। अब हम इसे बीच से काट कर एक हिस्सा ले लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है हमारी मिठाई। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे। अब हम एक फॉइल ले लेंगे, उसके ऊपर से हम कुछ नारियल का बुरादा छिड़क देंगे और उसके ऊपर से हम इस तरह से मिठाई को साइड साइड से रोल कर लेंगे ताकि ये जो नारियल का बुरादा है वो अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए और ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। बस हमारा नारियल की बर्फी बनकर रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा इसे, बहुत ही आसानी से बनती है ये और बहुत टेस्टी लगती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।